बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुमताज़ यासीन आदम जी कोचिंग सेंटर हेड ऑफिस से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि आपकी स्टडी फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन 2022 और 2023 स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इसी सिलसिले में आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो कि अभी सेशन से की इब्तिदा है, तो आपको ये इंश्योर कर लेनी चाहिए कि इंटर बेसिस पर अच्छी कामयाबियाँ जो हैं वो मिलती किस तरह है। स्टूडेंट्स, एक बात तो आप यकीन कर लें कि इंटरमीडिएट्स के जो एग्ज़ाम्स हैं या इनका जो सिलेबस है या इनके पढ़ने का जो स्टाइल है, नाइन और मैट्रिक से टोटली डिफरेंट होता है। नाइन और मैट्रिक से इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर नाइन और मैट्रिक में आपके 90+ मार्क्स भी हैं, तो इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि इंटर में भी आपको बड़ी अच्छी कामयाबी मिलेगी। और खुदा ना खास्ता अगर नाइन्थ और मैट्रिक में आपके मार्क्स कम हैं, तो भी ऐसा नहीं है कि इंटरमीडिएट लेवल पर आपको बहुत अच्छी कामयाबी ना मिले। स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट एग्जाम्स में कामयाब सिर्फ वही स्टूडेंट्स होंगे जो प्लान के तहत और रेगुलर बेसिस पर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। मैं इस वक्त स्पेशली आदम जी कोचिंग सेंटर हेड ऑफिस के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। आपकी क्लासेस हमारे यहाँ 3 डेज होती हैं, वीक में 3 डेज आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं, 1 डे जो है वो आपका रेगुलर टेस्ट होता है। तो स्टूडेंट्स से मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि आपको इंटर लेवल पर अच्छी कामयाबी के लिए वेरी फर्स्ट डे से रेगुलर स्टडी करनी है। अगर आप मैट्रिक के पैटर्न पे या अपने ओल्ड पैटर्न पे अगर ये सोचोगे कि टेस्ट से पहले या एग्ज़ाम से पहले हम कुछ दिन या कुछ महीने के लिए पढ़ने के लिए बैठेंगे और बहुत अच्छी तैयारी करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं कि अगर आप इंटर लेवल पर बहुत अच्छी कामयाबी चाहते हो, तो आपको रेगुलर बेसिस पर स्टडी करना है। रेगुलर बेसिस पर स्टडी करना है मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे या थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 3 दिन आपकी क्लास होती है। 3 दिनों में टीचर्स ने क्लास में आपको जो कुछ समझाया, जो कुछ पढ़ाया किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये इंश्योर करें कि नेक्स्ट वीक जब आप फर्स्ट डे आप क्लास में बैठे, तो प्रीवियस वीक की जितना कुछ भी आपने पढ़ा है वो सब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी प्रिपरेशन हो चुकी हो। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो होगा क्या कि जिस दिन आपका कोर्स कंप्लीट होगा उस दिन आपकी प्रिपरेशन भी कंप्लीट होगी। और स्टूडेंट्स, आप सबको ये अच्छी तरह मालूम है कि हमारे यहाँ हम कोर्स सिलेबस जो है वो एग्जैक्ट 8 मंथ में कंप्लीट कर देते हैं। यानी अगर आपकी क्लासेस जो है वो जुलाई के मंथ में शुरू हुई, तो इसका मतलब है फेब के एंड में आपका कोर्स वाइंड अप होगा। इसका मतलब है कि एग्जाम से पहले आपको काफ़ी गैप मिलेगा जिसमें आप बेहतर रिवीजन कर सकते हैं, बेहतर एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स, कॉलेजेस के पेपर्स, अदर एक्टिविटीज़ आप बड़े अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और जब एग्ज़ाम्स की डेट आएगी तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर चुके होंगे, राइट? ये तो बात मैंने आपको कही कि किस तरीके से आपको स्टडी करना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, एक 2 पॉइंट मेरी और सुन लीजिए। जब आप क्लास में बैठे हों तो, और टीचर जब आपको पढ़ा रहा हो,
तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि टीचर्स के लेक्चर्स को अच्छी तरह सुने समझे, और जहां कंफ्यूजन होती है बगैर किसी हेजिटेशंस के टीचर के साथ से आप अपने क्वेश्चंस कीजिए। इंटर लेवल पर कॉन्सेप्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू ओनली द लर्निंग। मैं फिर इंश्योर करूं, सब्जेक्ट कोई भी हो, किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है, आप फौरन टीचर से वहीं पर अपने कंफ्यूजन्स को डिस्कस कीजिए, क्लियर कीजिए, राइट। आपको किसी तरह की भी कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम आपकी स्टडी, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आप फौरन अपने एकेडमिक कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म कीजिए, आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए या ग्रुप पे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, हम एज सून एज आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। मैं फिर बता दूं कि पढ़ाई के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, आप रेगुलर स्टडी कीजिए, जहां प्रॉब्लम्स होती हैं हम आपकी हेल्प के लिए मौजूद हैं, राइट। स्टूडेंट्स, दूसरी बात, आपके रेगुलर टेस्ट, आपको अच्छी तरह शायद मालूम हो या शायद ना भी मालूम है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि हर वीक रेगुलर बेसिस पर आपके टेस्ट कंडक्ट होते हैं। सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए, वेरी फर्स्ट डे जब टीचर क्लास में आए और आपको मालूम हो कि इस वीक इस सब्जेक्ट का टेस्ट है, तो अपने टीचर से सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। वैसे तो टीचर खुद ही ग्रुप पर या क्लास में आपको सिलेबस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे देते हैं, आप टीचर से सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए और बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़े इंटरेस्ट के साथ आप टेस्ट की तैयारी कीजिए। टेस्ट में अपनी प्रेजेंस को यकीनी बनाइए और जब टेस्ट आप दें तो इस बात को इंश्योर करें कि जिस पैटर्न पे आप बोर्ड एग्जाम्स में आंसर्स देते हो, यहाँ पर भी टेस्ट में आंसर्स देते वक्त बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करें, ताकि टीचर जब आपकी कॉपी चेक करें तो ये अंदाज़ा हो सके कि आपकी वीकनेस कहाँ पर है, आप गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हो, ताकि टीचर्स उसको रिमूव करवा सके। इस बात को भी इंश्योर कीजिए कि जब आपको कॉपी चेक होकर मिले, जब आपको कॉपी चेक होकर मिले तो आप अपनी गलतियों को ढूंढे कि किस क्वेश्चन में आपने गलती क्या की, नंबर क्यों कटे हैं, वो अपने टीचर से लाजमन डिस्कस कीजिए, मालूम कीजिए और नेक्स्ट टाइम उन वीकनेसेस को रिमूव कीजिए, ताकि फाइनल एग्जाम जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं उसमें आपकी कोई मिस्टेक्स, कोई वीकनेस रिपीट ना हो, कोई वीकनेस आपकी रिपीट ना हो। स्टूडेंट्स, आदम जी कोचिंग सेंटर हर वक्त आपकी प्रॉब्लम्स को आपको फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद है। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आपके सब्जेक्ट के व्हाट्सएप ग्रुप, एडमिन का व्हाट्सएप ग्रुप, और अगर पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं तो वो बिला झिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इन एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन्स। यदि किसी टाइप की कन्फ्यूजन है आप फौरन हमसे डिस्कस कीजिए। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट ये है कि अपने बच्चों की एजुकेशन पे ज़रा नज़र रखें, उनकी प्रोग्रेस को रेगुलर स्टडी कीजिए। हम व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे, हम आपके साथ टच में ही रहेंगे, और आपकी भी जिम्मेदारी है कि बच्चों के स्केड्यूल्स, टाइमिंग्स, क्लास टाइमिंग्स, सारी बातें बच्चे की एजुकेशन से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन में हो,
और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बगैर हेजिटेशन के आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे मैसेज के ज़रिए, ऑडियो वीडियो कॉल के ज़रिए या लाइव सेशन जो जूम पर भी पॉसिबल है उसके ज़रिए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक आप लोग अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।